प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो जैसा कि हमने बताया था कि रोकड़ प्रवाह विवरण जो है वो विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से जो है तीन प्रकार से ज्ञात किया जाता है, जिसमें संचालन क्रियाओं के माध्यम से, विनियोग क्रियाओं के माध्यम से और वित्तीय क्रियाकलाप के माध्यम से। तो यहां पर संचालन क्रिया के अंतर्गत जो है, इसमें जो है संचालन क्रिया से आशय उन क्रियाओं से है जो व्यवसाय में आय अर्जित करने के लिए की जाती है। अर्थात व्यवसाय जिस वस्तु का संचालित किया जाता है उसकी बिक्री करने के पश्चात जो आय प्राप्त हो रही है यहाँ पर, उन क्रियाओं से यहाँ पर संचालन क्रियाओं से ये संबंधित है। अब इन संचालन क्रियाओं के अंतर्गत जो हम रोकड़ प्रवाह की गणना करते हैं तो इसमें जो है विभिन्न रोकड़ प्राप्तियों को शामिल किया जाता है। जैसे पता है था उत्पाद या माल की बिक्री से प्राप्त रोकड़ हो गया, फिर विभिन्न प्रकार की रॉयल्टी यदि कोई प्राप्त हुई है, फीस हो गया, कमीशन और सेवा प्रदान करने से प्राप्त रोकड़। तो यहाँ पर संचालन क्रिया के अंतर्गत हम ऐसी रोकड़ को शामिल करते हैं यहाँ पर जो कि जैसे उत्पादन या माल की बिक्री से प्राप्त रोकड़ हो गई, फिर किसी प्रकार की रॉयल्टी या कोई फीस प्राप्त हुई, कमीशन प्राप्त हुआ और विभिन्न प्रकार की सेवा प्रदान करने से संबंधित यदि कोई रोकड़ प्राप्त हुई तो ये रोकड़ प्राप्ति में हो गई। अब यहाँ पर जो रोकड़ का बाहर भाव है, जो रोकड़ जहां जा रही है, तो माल तथा सेवाओं के लिए पूर्तिकर्ताओं को भुगतान, यहाँ पर जो है जो माल या जो सेवाएं हमने परचेस की हैं उनके जो आपूर्तिकर्ताओं उनको भुगतान जो हमारे द्वारा किया गया, फिर कर्मचारियों को उनके हित व्ययों का भुगतान, कर्मचारियों को जो है उनके हित के लिए भुगतान किसी प्रकार का किया गया तो वो, फिर बीमा कंपनी के जो है प्रीमियम वगैरह हो गए, दावे हो गए, वार्षिकी और अन्य पॉलिसी के लाभों से रोकड़ प्राप्ति व रोकड़ भुगतान आदि। तो यहाँ संचालन क्रिया के अंतर्गत जो है हम इन मदों को जो है रोकड़ प्राप्ति में भुगतान में सम्मिलित करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि संचालन क्रियाकलाप के माध्यम से रोकड़ प्रवाह की गणना किस प्रकार से हम करते हैं। तो एक उद्यम में जो है प्रचालन संचालन अर्थात क्रियाकलाप आय एवं व्ययों का क्या है, मुख्य स्रोत है। अर्थात एक उद्यम में जो भी संचालन संबंधी क्रियाकलाप जो होते हैं वो उसकी आय के और उसके व्यय के क्या है, प्रमुख स्रोत है। इसलिए प्रचालन क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह को विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। अब यहाँ लेखांकन मानक 3 के अनुसार एक उद्यम को प्रचालन क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह की रिपोर्ट में इनमें से किसी एक का उपयोग करना चाहिए। अर्थात लेखांकन मानक 3 के अनुसार जो है संचालन क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह की गणना जो है वो दो प्रकार से की जाती है, एक प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और दूसरा अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष और जो अप्रत्यक्ष विधि है इनमें से हम किसी एक विधि के द्वारा जो है संचालन क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह की गणना करते हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष विधि में जो है इसका प्रयोग वहां करते हैं हम जहाँ सकल रोकड़ प्राप्तियां व सकल रोकड़ भुगतान का प्रमुख वर्ग व्यक्त किए जाते हैं। और दूसरी जो विधि है अप्रत्यक्ष विधि, अब यहाँ संचालन क्रियाओं से शुद्ध रोकड़ प्रवाह की गणना के लिए कर व असामान्य मदों से पूर्व शुद्ध लाभ को आधार बनाया जाता है। यहाँ पर जो है हम कैलकुलेशन करने के लिए, गणना करने के लिए जो है शुद्ध लाभ को आधार बनाते हैं जो कि कर व असामान्य मदों से पूर्व जो शुद्ध लाभ हमें प्राप्त हुआ है उसको हम बेस यहाँ पर बनाते हैं। और इस शुद्ध लाभ में से जो है गैर रोकड़ मदें एवं गैर संचालन व्ययों को यहाँ पर हम जोड़ते हैं। अब इस शुद्ध लाभ में जो है ऐसी गैर रोकड़ मदें और ऐसे गैर संचालन व्यय इनको हम इसमें जोड़ते हैं। इस प्रकार गैर रोकड़ प्राप्तियां एवं गैर संचालन प्राप्तियों का जो है यहाँ समायोजन किया जाता है, अर्थात शुद्ध लाभ में से उसको हम घटा देते हैं। तो अभी हम आगे जो है फॉर्मेट के माध्यम से किस प्रकार से गणना करते हैं अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो यहाँ पर जो है जनरली सवालों में जो है अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा ही जो है संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह की गणना की जाती है। अब यहां हम देखते हैं अप्रत्यक्ष विधि से जो है रोकड़ प्रवाह की गणना। तो गैर रोकड़ या गैर संचालन व्यय में प्रमुख रूप से निम्न व्ययों को शामिल किया जाता है जिन्हें संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना में
शुद्ध लाभ में जोड़ा जाता है। तो जैसे वार्षिक ह्रास हो गया, डेप्रिसिएशन जो संपत्तियां हैं उनमें जो प्रतिवर्ष कमी आती है वो हो गया डेप्रिसिएशन, वार्षिक ह्रास। फिर दूसरा जो है वो वर्ष के दौरान अपलिखित ख्याति या पेटेंट या ट्रेडमार्क, उस वर्ष के दौरान जो है ऐसी ख्याति या पेटेंट या ट्रेडमार्क जिनको हमने राशि को अपलिखित कर दिया। फिर तीसरा जो है प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन, यहाँ पर जो है जो भी पूर्व के व्यय है उनका अपलेखन, प्रारंभिक व्यय। और चौथा जो वर्ष के दौरान ऋण पत्र व अंशों के निर्गमन पर छूट का अपलेखन, वर्ष के दौरान जो है ऋण पत्र या अंश पत्रों को जो जारी किया गया उन पर जो छूट प्रदान किया गया उनको अपलिखित जो किया गया उसकी राशि। फिर स्थायी संपत्ति या दीर्घकालीन विनियोग के विक्रय पर हानि। तो इस प्रकार से यहाँ पर रोकड़ प्रवाह की गणना में जो शुद्ध लाभ में इन्हें जोड़ते हैं। अब उपयुक्त गैर रोकड़ या गैर संचालन व्ययों को शुद्ध लाभ में जोड़ने के बाद गैर रोकड़ प्राप्तियां व गैर संचालन आय को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। ये आय कैसी हो सकती है, जैसे स्थायी संपत्ति या दीर्घकालीन विनियोग के विक्रय पर लाभ और विभिन्न प्रकार का ब्याज एवं लाभांश की प्राप्ति आदि। तो इस प्रकार से हम अप्रत्यक्ष विधि से जब रोकड़ प्रवाह की गणना करते हैं तो बाद शुद्ध लाभ में इन मदों को हम यहाँ पर जोड़ते हैं और यहाँ पर इन मदों को जो है हम क्या घटा देते हैं। इसका जो प्रारूप है प्रत्यक्ष विधि से रोकड़ प्रवाह की गणना का प्रारूप, यहां हम सबसे पहले लाभ हानि विवरण के अनुसार जो है शुद्ध लाभ लेके आते हैं, जिस शुद्ध लाभ को हम यहां लिखते हैं। फिर मूल्य ह्रास हो गया, ख्याति व पेटेंट या ट्रेडमार्क का अपलेखन हो गया, इसको हम यहां पर यहां लिखेंगे। फिर दीर्घकालीन ऋण ऋण पत्रों पर ब्याज, इनको हम यहां लिखेंगे। अंशों के निर्गमन पर बट्टा जो दिया, ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो हानि का लेखा किया। फिर प्रारंभिक व्ययों का अपलेखन किया हमने और स्थायी संपत्तियों के विक्रय पर यहाँ जो हानि हुई है इनको हमने जो है टोटल लिख के यहाँ इससे किया। इसके बाद घटाया, इसमें से हमने घटाएंगे विनियोग पर अर्जित ब्याज, इसको हमने लिख लिया। फिर किराए से आय इनको और लाभांश से आय इसको और स्थायी संपत्ति के विक्रय पर लाभ और इसको टोटल करके हम इससे यहाँ पर घटा देंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व जो संचालन लाभ है वो यहाँ पर आपका प्राप्त हो जाएगा, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व संचालन लाभ। तो अभी हमें यहाँ जो प्राप्त हुआ ये क्या हुआ, कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व संचालन लाभ। अब यहाँ पर इसको हमने जो है कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व संचालन लाभ को जो हम यहाँ लेके आए, अब इसमें हम जोड़ देंगे चालू संपत्तियों में कमी, जो करंट असेट्स हैं उनमें यदि कमी हुई है तो उसको हम ले लेंगे और चालू दायित्व में वृद्धि, जो करंट लायबिलिटीज हैं वो यदि उनमें बढ़ोतरी हो गई वृद्धि हो गई इसको ले लिया हमने यहां पर। और अब यहां पर जो है हम चालू संपत्ति में वृद्धि, यहां पर जो है करंट असेट्स में जो भी वृद्धि हुई है उनको हम लेंगे, फिर चालू दायित्व में कमी और संचालन से अर्जित रोकड़, और यहां पर जो है जो भी आएगा इसमें से हम आयकर जो है इसको माइनस कर देंगे। इस प्रकार से यहां पर जो है हमें संचालन क्रियाओं में प्रयुक्त शुद्ध रोकड़ की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत जो है संचालन क्रियाओं से जो है रोकड़ प्रवाह की गणना। यहाँ एक हम प्रश्न देखते हैं इससे जुड़ा हुआ, निम्न सूचनाओं से अप्रत्यक्ष विधि से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की हमें गणना करना है। सवाल में दिया हुआ है शुद्ध लाभ 7,500, वेतन 5,000 क्यों दिया हुआ है, चलो प्लांट पर ह्रास जो है मूल्य ह्रास ये 1,800, प्लांट के विक्रय पर हानि जो है 700 और ब्याज प्राप्त जो है 2,500, विनियोग के विक्रय पर लाभ जो है 2,500, यहाँ चालू दायित्व में जो वृद्धि है वो 20,000 और यहाँ चालू संपत्ति में जो वृद्धि है वो
10,000। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो है शुद्ध लाभ हम लिख लेते, तो ये शुद्ध लाभ 7,500 हमारे पास आ गया। डेप्रिसिएशन और प्लांट विक्रय पर जो हानि हुई है, तो ये डेप्रिसिएशन जो है प्लांट पर ह्रास 1,800 और प्लांट के विक्रय पर हानि, तो ये 1,800 और 700 टोटल हो गया, ये 2,500। ये हमें 10,000 यहां पर प्राप्त हुआ। अब इसमें से हमने जो घटाया, जो ब्याज प्राप्त हुआ हमें, तो ये ब्याज प्राप्त 2,500 और विनियोग पर, विनियोग विक्रय पर लाभ 2,500, तो ये टोटल हो गया आपका 2,000, ये 5,000 रुपए। तो ये इसमें से माइनस किया तो यहां पर ये 5,000 हमारे पास शेष बचा। ये क्या है, संचालन लाभ कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के पूर्व 5,000 ये आया हमारे पास। अब यहां पर जो कार्यशील पूंजी में परिवर्तन पूर्व जो है संचालन लाभ हमारे पास आ गया 5,000। अब इसमें हम चालू दायित्व में जो वृद्धि, चालू दायित्व में वृद्धि जो है 20,000 ये हमने प्लस कर दी, तो ये टोटल 25,000। और अब यहां पर जो है माइनस हमने चालू संपत्ति में कमी 10,000 कर दी, तो यहां पर टोटल जो है आपका 15,000 रुपए ये आपका संचालन क्रियाकलाप से रोकड़ प्रवाह ये आपका प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार संचालन क्रिया से रोकड़ प्रवाह की गणना करते हैं। एक और सवाल है यहां पर, ये दो वर्षों का यहां दिया हुआ है, 31/3/17 अनुसार और 31/3/18 के अनुसार। लाभ हानि खाते में दिया है 1,20,000, 18 में दिया 1,10,000, देनदार दिए हैं 62,000 और 50,000, अदत्त किराए 42,000 और 24,000, पूर्वदत्त बीमा जो है 4,000 और 8,000, लेनदार जो है 38,000 और 26,000, ख्याति जो है 76,000 और 80,000। तो यहां सबसे पहले हम शुद्ध लाभ निकाल लेंगे, तो यहां पर जो है ये प्राप्त हो गया हमें प्रॉफिट एंड लॉस में 1,20,000 जो है ये था, और ये 1,10 इसका, तो 18 का जो है 1,10 1,20,000, तो ये माइनस में ये 10,000 आ गया हमारे पास। इसमें हमने ख्याति निकाल ली, यहां ख्याति जो है दी है 17 की है 76,000 और 18 की है 80,000, तो ये जो है ख्याति कितनी 4,000, तो ये ख्याति जो है 4,000 इसमें हमने प्लस कर दी 14,000। अब यहां प्लस जो है देनदार में कमी, तो देनदार हमारे पास थे जो 62,000 के, 62,000 माइनस 50,000, तो ये 12,000 ये देनदार में कमी, तो यहां पर जो है शेष बचा 2,000। अब इसमें जो है अदत्त व्यय में कमी हमने देखी कितनी है, 18,000 आ रही है यहां पर, अदत्त किराया यह 42,000 और 24,000, तो 42,000 माइनस 24,000, तो ये आ गया 18,000। तो ये अदत्त जो व्यय में कमी हुई 18,000, लेनदार में वृद्धि जो है 12,000 की हो रही है यहां पर, इसमें 38,000 और 26,000, तो 38 माइनस 26 ये 12,000, तो ये लेनदार में वृद्धि 12,000। इसी प्रकार से पूर्वदत्त बीमा में वृद्धि, यहां पर पूर्वदत्त बीमा जो है 4,000 है और ये 18 में 8,000, तो यहां पर ये इसमें वृद्धि हुई 4,000। तो यहां पर जो है हानि पूरी कंप्लीट आ रही है 36,000 रुपये, हमने टोटल किया 8, 2, 10, 2, 12, 4, 16, 2, 1, 3, 36,000। तो इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर जब दो वर्षों का विवरण दिया हो तो उस हिसाब से यहाँ पर हम जो है रोकड़ प्रवाह की गणना करते हैं। इसी से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख चीजें जो है रोकड़ प्रवाह विवरण में, रोकड़ से आशय क्या है। सामान्य तौर पर रोकड़ से जो हम आशय लेते हैं तो कैश इन हैंड, लेकिन वास्तव में रोकड़ प्रवाह के अंतर्गत जब हम रोकड़ की गणना करते हैं तो रोकड़ में जो है रोकड़
रोकड़ तुल्य अल्पकालीन प्रतिभूतियों से है, जैसे कि हस्तस्थ रोकड़ कैश इन हैंड हो गया, बैंक में जो हमारा नगद जमा है जिसको हम तत्काल कभी भी निकाल के यूज कर सकते हैं, और रोकड़ तुल्य में अन्य अल्पकालीन विनियोग शामिल किए जाते हैं, अर्थात ऐसे इन्वेस्टमेंट जो कि शीघ्रता के साथ जो है रोकड़ में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ रोकड़ प्रवाह विवरण में जो है रोकड़ से आशय यह है कि हस्तस्थ रोकड़ कैसेट बैंक और ऐसी अल्पकालीन विनियोग शॉर्ट टर्म की जिनको हम शीघ्रता के साथ जो है रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा बिंदु जो है रोकड़ तुल्य से क्या आशय है, तो ऐसे अल्पकालीन विनियोग जिन्हें बिना किसी मूल्य हानि के शीघ्र ही रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है, अर्थात ऐसे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट अल्पकालीन विनियोग जो कि बाजार में उसी मूल्य पर या उससे अधिक मूल्य पर बहुत ही शीघ्रता के साथ रोकड़ में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, बेचे जा सकते हैं, उनको बेचने पर किसी भी प्रकार के उनके मूल्य में हानि नहीं होती, वो रोकड़ तुल्य कहलाते हैं। फिर गैर रोकड़ मदे क्या है, गैर रोकड़ मदे वे मदे हैं जिन्हें वास्तविक रूप से रोकड़ का आदान प्रदान नहीं होता, अर्थात रोकड़ का जिसमें बहाव नहीं होता, जैसे कि ह्रास हो गया, मूल्य ह्रास और ख्याति का अपलेखन आदि, ये कहलाते गैर रोकड़ मदे। कुछ अभ्यास प्रश्न है, संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह में किन मदों को शामिल किया जाता है, फिर संचालन क्रियाओं के अंतर्गत रोकड़ प्रवाह की अप्रत्यक्ष विधि को समझाइए और अप्रत्यक्ष विधि के प्रारूप को समझाइए, फिर गैर रोकड़ मदों से क्या आशय समझाइए और रोकड़ तुल्य प्रतिभूतियों से क्या आशय समझाइए।